हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ है परीक्षित जी। परीक्षित जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। परीक्षित जी, मतलब आपको देख के हमेशा ऐसा लगता है कि एक वो जो बच्चा जिसने किसी समय किसी बचपन में थिएटर या फिल्म का बैकग्राउंड देखा हो, वो अभी तक अंदर आपके लगातार बना हुआ है। ये सबके रहता है, मेरा ही नहीं, मेरे ख्याल से सब में ऐसा ही है। कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें वगैरह ताज़ा रहती हैं। यस, स्टिल देयर। मतलब कई बार शॉर्ट्स में आपकी आंखों में वो समझ में आता है कि यार ये मेमोरी कहाँ से आई होगी। आई डोंट नो, मुझे कुछ इसका कुछ नहीं, आई जस्ट डू माई जॉब। तो ये मतलब पार्टीशन के दौरान, मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। पार्टीशन के दौरान बलराज जी और आप सब लोग यहाँ पर आए, आप आपकी मेमोरीज बलराज जी के साथ क्या क्या रही? क्या देखो पराग, क्या है कि डैडी के साथ मैं पहले 6-7 साल तो मिला ही नहीं उनको। ही वॉज इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द वॉर। फिर उसके बाद जब वो आए तो मेरी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, तो पहले तो कश्मीर में, फिर मगर हमारे बीच में कुछ थोड़ा सा फासला हमेशा रहा। अनफॉर्चुनेटली वो किताब में भी मैंने लिखा है, अभी मेरी किताब आ रही है उनके ऊपर। तो क्योंकि पहले 5-6-7 साल उनके साथ बिताए नहीं, भीषम जी के साथ बिताए। तो जब वो आए, इट वॉज इन द बिगिनिंग, मतलब क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सडनली हमारे दूसरे पिताजी कहाँ से आ गए। मगर उनमें एक खासियत थी, वो कभी अपने आप को पिताजी की हैसियत से ही नेवर प्रेजेंटेड टू द चिल्ड्रन। वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। यानी उन्होंने शुरू में मुझे कहा कि बेटा तू ये भूल जा, डैडी वैडी पापा जी पिताजी इन ऑल दैट, यू कॉल मी बलराज जी इफ़ यू लाइक, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड, तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तो हमारी ज़िंदगी भर ऐसी दोस्ती रही, ऐसे ऐसे बातें करते थे मेरे साथ जो कोई बाप अपने बेटे के साथ करे ही ना। एंड ही वॉज जस्ट लाइक अ चाइल्ड एंड लाइक अ फ्रेंड टू मी, ही वॉज नॉट लाइक अ यू नो फादर फिगर, इससे डरे डरे इंसान कि अब क्या कहेंगे कैसा। ही वॉज ऑलवेज लाइक अ फ्रेंड, और कभी उन्होंने एडवाइस भी नहीं दिया एक्टिंग के बारे में। वो ये कहते रहे कि यार यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर। हालांकि मैं डरता था उनसे बहुत, उनके साथ जब शॉट लेता था, बट ही वॉज ऑलवेज वेरी 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 फ्रेंडली एंड अमेजिंग मैन। तो ये जो आप किताब आपने बलराज जी पर लिखी है, इसमें किस दौर से आपने शुरू किया है? मैंने शुरू से किया है, बचपन से। अच्छा, रावलपिंडी से, जब मैं बिल्कुल छोटा था। अच्छा, रावलपिंडी की यादें हैं मेरे, आई वॉज अबाउट 5 और 6 जब पार्टीशन हुआ। तो वो उस वक्त डैडी वहाँ नहीं थे, ही वॉज इन इंग्लैंड, ही केम इन 46 आई थिंक, एंड उसके बाद सीधे बॉम्बे आ गए, फिर हमको कश्मीर ले गए। तो वो सब याद है, मैंने किताब में भी लिखा है, शुरू से सब यादें। मार काट बहुत हुई यार, एक दूसरे को बहुत मारा उन्होंने। बहुत कड़वी यादें थोड़ी अलग रखते हुए, जैसे आपने कहा कि बल्ला साहब से आपकी दोस्ती हुई। दोस्ती, यस। तो वो दोस्ती का मोमेंट क्या था? पहले तो भीष्म साहनी आपके पिताजी थे। हाँ, वो ऑलमोस्ट टिल द एंड आई थॉट ही वाज लाइक अ फादर टू मी। तो बलराज जी से आपकी दोस्ती कब शुरू हुई? क्योंकि एक रिलैक्स एक वो तो रहता है शुरू से। देखो शुरू से ही, फ्रॉम द चाइल्डहुड ही वाज, यू नो, व्हेन ही फर्स्ट मेट मी इन रावलपिंडी, वहाँ से ही व्हेन ही टुक मी टू श्रीनगर, वहाँ से ही स्पेंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स विद मी। एंड कभी गेम्स खेलते थे, कभी कुछ सिखाते थे मेरे को, कभी यूज्ड टू डू सम मैजिक ट्रिक्स। And from the childhood, he was, you know, when he first met me in Rawalpindi, वहाँ से ही, when he took me to Srinagar, वहाँ से ही he spent hours and hours and hours with me. And कभी games खेलते थे, कभी कुछ सिखाते थे मेरे को, कभी used to do some magic tricks. And I became very fond of him. फिर वो चले गए बॉम्बे, उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रगल रही। इफ़ यू हैव रेड हिज ऑटोबायोग्राफी, उनको तो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। हम लोग तो वी आर वेरी लकी, यू नो, स्टार सन्स।
सबको हमको मिल गया प्लेटर में. पर इंस्टेंस अमिताभ, आई नो वॉट ही वेंट थ्रू व्हेन ही केम हियर. ही वॉज रियली मैल ट्रीटेड वेरी बैडली बाई द प्रोड्यूसर्स एंड एवरीबडी. उसको क्या क्या बुलाते थे. सो बट वेन ही हैड सच अ टेरेबल स्ट्रगल, सो ही फेल्ट के मेरे को दो तीन फिल्में मिल गई एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट. दिमाग ख़राब हो गया बिकॉज दैट वॉज स्ट्रगलिंग, आई वॉज अर्निंग. सो ही सेड यार तेरी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो भी फिल्म लाइन में आ गया है, तो लोग तेरे को रिकग्नाइज कर रहे हैं. यू आर पुटिंग ऑन एयर्स बट योर एजुकेशन इज सफरिंग. बिकॉज उस ज़माने में नाइट शूटिंग हुआ करती थी ज़्यादा, बिकॉज देर वॉज नो साउंड, देर वॉज नो माइक, रात को देर वॉज नो हॉर्न्स एंड ऑल दैट. सो उसके बाद तो फिर आई वॉज सेंट टू बोर्डिंग स्कूल्स वन आफ्टर द अदर बहुत साल तक, टिल आई वॉज 26 व्हेन आई केम बैक. उसके बाद रशिया चला गया, फिर पहाड़ों में पढ़ा सना नियर कसौली शिमला, फिर दिल्ली में कॉलेज की, फिर रशिया चला गया 6 साल के लिए बिकॉज डैड वॉज अ मार्क्सिस्ट. तो उन्होंने बचपन से सिखाया था कि दैट इज़ द सोसाइटी यू नो. तो हम 6 साल वहाँ चले गए. व्हेन आई केम बैक आई वॉज अ फुल ग्रोन मैन एंड दैट इज़ व्हेन ही सॉ मी. तो ये सर अब तो तेरे साथ एक पैग मारते हैं, मैंने कहा सर. एंड देन इन द मिडल ऑफ इट ही सडनली गॉट टीयर्स इन हिज आईज. आई सर कुछ मैंने गलत कह दिया डैड. ही सर नहीं यार तू कल निकल जब बच्चा सी तो हम तू भर दोगे हमें तो बड़ा का दो है मैं पता ही नहीं चलिया. आई डिड सी यू ग्रोइंग. सो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज रिलेशनशिप बट ही वॉज बट देर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक हिम. आई थिंक ही वॉज अ महापुरुष. वो उनके चेहरे पे दिखता. हाँ वो उनके अंदर इतनी अच्छाई थी, सच्चाई, नेकी, भलाई. ही वॉज वेरी वेरी ऑनेस्ट. ही वॉज वेरी आई मीन देर वॉज नो फ्रेम इन हिम यू नो. बहुत ही सरल और बहुत ही क्या कहते हैं ऑनेस्ट और वेरी सिंसियर मैन. भरतनाट्यम शास्त्र में लिखा ना कि एक अच्छा अभिनेता होने के लिए एक अच्छा इंसान होना. हाँ तो मुझे भी उन्होंने यही कहा था. मैंने कहा डैड मेरे को वी डिड आवर फर्स्ट फिल्म टुगेदर कॉल्ड पवित्र पापी. मेरे को सब डायलॉग नहीं निकले मुझसे, उनके सामने क्या बोलूँ यार मैं. सो आई टोल्ड हिम आई सेड सिखाओ मुझे कुछ डैड. मैं तो ये तो करने नहीं गया था, ये तो आपने बना दिया एक्टर मेरे को. आई वेंट टू बिकम अ डायरेक्टर एंड अ राइटर. सो ही सेड बेटे एक अच्छे इंसान बनो तो एक्टर अच्छे खुद ब खुद बन जाओगे. सो ही वॉज लाइक दैट. He's an amazing man. Now you must read the book to see. I'm just described lots of things in the book, all my intimate moments with him. And people would be surprised. I thought they should know the other side of Mr. Balraj Sahni. They only know him on the screen. Magar unke kya aadatein thi, kya unka drishtikon tha, how did he live, how did he behave with others, what were his values, वो उस किताब में मैंने लिखा हुआ है ऑल द डिटेल्स अबाउट दैट. मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है कि अपने बड़े बड़े स्टार्स हमारे देश में हुए हैं पर बहुत कम लोग हैं. बलराज सहनी साहब है या बच्चन साहब है या जो हमारे पिताजी से हमको आए, हमारे शायद हमारे बच्चे भी, कि वो अपने से लगते हैं. आपको पता है कि इनके बारे में आपको सब पता है लेकिन कुछ नहीं मालूम होता है. मतलब बलराज साहब की फिल्में देखो तो आपको लगता है ये आदमी कितना सच्चा है यार, ये अपना आदमी है. या, ना हर फिल्म आप देख लो उसमें. या अमेजिंग अमेजिंग. और उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वो कैमरे से डरते थे. ही हैड टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच. ही डिडंट नो ही हैड डन थिएटर बट ही हैड नेवर डन एनी एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो कितनी मुश्किल से उन्होंने अध्ययन किया, सीखा. Then he mastered the art and how he hard he worked. उस ज़माने में ऐसे अमिताभ अभी अमिताभ कैसे करता है. आई थिंक आमिर के साथ काम किया. ही ऑल्सो वर्क्स वेरी हार्ड ऑन हिज रोल्स एंड डैड दिस गाइज दे वर्क वेरी हार्ड ऑन देयर रोल. डैडी तो मतलब पहले बहुत रिसर्च किया करते थे. जब हकीकत की तो ही स्पेंट एटलीस्ट अ मंथ विद दिस इन कलीना विद द आर्मी फेलोज. रात आते थे तो उनके यहाँ स्क्रैच हुए होते थे. I've learned how to do crawl today. I learned how to salute. I've been watching these guys. Ek ko model bana liya tha unhone. They were very serious about their work.
रिक्शा पुलर इन दो बीघा जमीन ही पुल द रिक्शा ऑन इज ओन फॉर डेज एंड डेज बिफोर ही रियली स्टार्टेड पुलिंग इट. बाप रे. या एंड देन काबुली वाला ही डिसअपीयर्ड फॉर 20 डेज. हमारे माता जी डर गई कि ट्रेन से गिर गया कि होया नो पुलिस फोन करो भाई कितने गायब हो गया. ही केम आफ्टर 20 डेज. ही लाफ्ड. ही सेड यार मैं तो शायर में वो पठार रहते हैं उनके साथ रह रहा था मैं. लर्निंग हाउ दे टॉक हाउ दे थिंक हाउ दे वॉक देयर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग. सो ही पुट इन लॉट ऑफ दे पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क. ये लोग जो पूरे आए मुझे एक बार देव साहब से मैं बात कर रहा था उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि राज साहब हुए दिलीप साहब हुए या देवानंद मनोज कुमार बलराज साहब ये सब एक शायद उसी एरिया से या कहीं साथ साथ आए होंगे या आगे पीछे आए होंगे. यस 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 यस. I think they were from Gurdaspur, but they studied in Lahore, Chetanji and Dev Saab, Lahore. The Kapoors were from Peshawar, which is very close to Pindi, where he's from. So Manojji also, I think, I know that Dutt Saab is from Sargodha, yeah. Which is also very close to, this is all same area. ये बड़े इत्तेफाक की बात है. आई डोंट नो हाउ कम दिस हैपेंड. अभी मतलब ये जो जननाट्य मंच और ये सारा जो फॉर्म हुआ है सर यू मस्ट रिमेंबर दिस इज बिकॉज पार्टीशन से पहले लाहौर वाज़ द सेंटर ऑफ फिल्म मेकिंग. ओम प्रकाश जी ये जो बड़े बड़े स्टार थे देवर मोतीलाल देवर ऑल डूइंग वर्क इन लाहौर. इट इज़ आफ्टर द पार्टीशन दैट द फिल्म इंडस्ट्री शिफ्टेड टू मुंबई एंड महाराष्ट्र एंड ऑल दैट बिकॉज यहाँ पे पनप रही थी ऑलरेडी. सो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट और बिकॉज ऑफ देयर लुक्स और बिकॉज ऑफ आई डोंट नो दे ऑल केम फ्रॉम दैट. सारे खूबसूरत थे एकदम परफेक्ट. नहीं ऐसी बात नहीं है. तो मुझे देव साहब ने बताया था कि बोले उस जब हम लोग कोई फिल्में बनाते थे मैंने फिल्म बनाई तो हम सब साथ बैठ के उसको देखते थे पहले. अच्छा आई डोंट नो. ये बड़ा कमाल का मुझे लगा कि कहने को तो त्रिमूर्ति उस समय भी राइवलरी वैसी चलती होना चाहिए कायदे से जैसी अब होती है या पर बोले हम सब एक दूसरे को अपनी फिल्म में दिखाते. या तो ये बहुत बड़ी बात है. या देव साहब दिलीप साहब टोल्ड मी या राज्य के साथ आई वाज असिस्टेंट फॉर सम टाइम. देव साहब वाज ऑफ कोर्स आई वाज रिलेटेड टू हिम इन अ वे. माय वाइफ वाज हिज नीस एंड आई हैव नोन हिम दिस फैमिली. तो चेतन जी द वन हु ब्रॉट डैड एक्चुअली टू बॉम्बे. So I've known them for a long time. Yeah, they were very close to each other. Very close. बहुत एक दूसरे के करीब थे ये तीनों. राज जी देव साहब दिलीप साहब देव मेरे साथ दिलीप साहब बात करते थे ऐसे अपने यार के बारे में. ओ देव यार कमाल का बंदा है कभी मिलता ही नहीं यार कमाल कह जाके मिले मैनू. सी देश टू ऑल दे वर ऑल सेम. दे वर वेरी क्लोज टू वन अदर लाइक बडीज यू नो. बोथ ऑल ऑफ देम हैड देयर ओन स्टाइल्स. आई मीन व्हाट दिलीप साहब कुड डू Raji couldn't do and what Raji could do, Dev Saab could do and they could do what Dev Saab did. So they had their own domain. मुझे मतलब सबसे मुश्किल काम लगता है शम्मी साहब का कि देव साहब आ गए थे और उस styles को बिल्कुल ही अलग अंदाज में वो लेके गए थे. उनके सामने तो बड़ा मुश्किल था. राज साहब थे शशि कपूर और शम्मी कपूर देव साहब थे ही उसी स्टाइल में. एक अलग स्टाइल उसके बीच में से ईजाद करना थी उनको. या ही वाज अ रिमार्केबल मैन एंड वेरी वेल. बहुत बड़े ग्रेट आदमी थे वो भी. वाज अ ग्रेट मैन. आई मिस देम. तो परीक्षित जी मतलब जब आप कोई ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों आ ही जाते. कहीं पे ऐसा आपको आपने ऐसा लगा कि यार यहाँ पर बलराज साहनी नाम का जो शख्स है वो शायद इसी पहले पे अगर मैं लिखता ये कोई 20 साल पहले तो मे बी आई वुड हैव बीन बायस्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स. अब क्या है कि मेरी उम्र भी उनसे कोई मैं ही डाइड व्हेन ही वाज नॉट इवन 60. मैं तकरीबन 20 साल बड़ा हूँ उनसे और वो सब चीज़ें मुझे आई सी फ्रॉम हाइंडसाइट. एक मुख्तलिफ अब नज़रिया है मेरा बिल्कुल और वो बड़ा मैच्योर्ड है बिकॉज ऑफ माई ओन एज. तो अब उनको बड़ी ऑब्जेक्टिवली जब मैं देखता हूँ तो मुझे उनकी
जो नेगेटिव क्वालिटीज थी जिनके बारे में लिखा है मैंने, दे वर एक्चुअली हिज प्लस पॉइंट्स। यस, क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि यार जब मैं उस उम्र में था तो आई वॉज नॉट लाइक दैट। इट वॉज हिज सिंप्लिसिटी, इट वॉज हिज बिल्कुल ही मतलब बिंदास थे वो, कभी उनमें कोई छल कपट नहीं था। कभी कभी लोग उनका बड़ा फ़ायदा उठा लेते थे, मेड अ फूल ऑफ हिम। सो वी वर वेरी क्रिटिकल अबाउट दैट कि यार ये डैड सबके साथ ऐसे क्यों, यू नो ही ऑब्लाइजेस एवरीबॉडी, बट नाउ आई थिंक दोज वर द पॉइंट्स फॉर विच इज रिमेंबर्ड। बिकॉज अगर कोई मुझसे पूछे कि उनमें खामियां क्या थी, तो अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है उनको पिन पॉइंट करना। ही वॉज अ आई मीन एज अ फादर, एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज अ फ्रेंड, एज अ वर्कर। अभी तो उनको मैं देखता हूँ कि उन जैसा तो कुछ मुझे कम, बहुत कम लोग दिखाई देते हैं अभी। यू नो ही हैड नथिंग इन द प्रिंट अगेंस्ट हिम, ही डिडंट हैव एनी अफेयर्स, ही वाज सच अ हैंडसम मैन। उन्होंने कभी कोई ऐसे फिल्म की नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए करूँ। ही वॉज एन अमेजिंग, उनकी जो वैल्यूज थी वो बड़ी, मतलब प्रिंसिपल्स जिस आदमी में हों। अभी वाई डू आई एडमायर अमिताभ सो मच इज बिकॉज उसने अपने पिताजी से बड़े हाई प्रिंसिपल्स इनहेरिट किए हैं। अब वो कुछ चाहे भी तो वो ही कैन नॉट डू समथिंग रॉन्ग लाइक दैट बिकॉज ही इज गॉट द बेस्ट ऑफ यू नो हरवंश राय बच्चन इन हिम। यू कैन मेक आउट ही इज सच एन अमेजिंग मैन। मैंने उनको कहा कि यार मेरे फॉरवर्ड लिख दो मेरी किताब का। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डैड एंड वी वेरी क्लोज। Everyone is fond of हाँ नहीं नहीं डैड मतलब हरवंश राय जी वॉज वेरी क्लोज टू, डैड इज टू एडमायर हरवंश राय बच्चन जी, हिज राइटिंग्स एंड हिम, एंड ही यूज टू थिंक दैट ही इज गुरु गुरुदेव। तो अमिताभ से डाल राइट इट, तू परसों आ जा, आई मीन आई सेंड माई ड्राइवर। आई वॉज सिटिंग विद अली माई फ्रेंड, उसके साथ गपशप हो रही थी। मैंने कहा यार उसने कहा कि शाम को भेजेगा वो, तो मैं चलता हूँ। नहीं यार तू बैठ, कमाल है अमिताभ बच्चन तेरे को भेजेगा अभी, ही विल सेंड इट आफ्टर अबाउट 15 डेज। मैंने कहा नहीं यार उसने बोला है कि भेजेगा वो फॉरवर्ड, तो आई वॉन्ट दैट बिकॉज किताब में उसका होना बहुत ज़रूरी है यार। तो नहीं नहीं तू बैठ यार। मैंने कहा नहीं यार, मैंने 2 मिनट बैठा था। मैंने कहा नहीं, आई गेट द फीलिंग दैट इट वॉन्ट बी नाइस इफ ही सेंड्स अ गाय एंड आई एम नॉट एट होम यार, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। तो बड़ा गुस्से हुआ मुझे। आई केम हियर, आई सॉ हिज ड्राइवर हैड बीन हियर फॉर 2 आवर्स। He was walking up and down on our you know driveway, कि साहब ये आपके लिए भेजा है। वो आपको अगर दिखाऊँ इसने कैसे भेजा है, इट्स अनबिलीवेबल द वे इट वॉज रैप, द वे इट वॉज पैक, द वे इट वॉज रिटन, हैंड रिटन, आई मीन इट वॉज लाइक प्रिंटेड यार, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। एंड देन आई रेड इट, आई हेट टू से इट, मगर किताब में सबसे बढ़िया चैप्टर वही है फॉरवर्ड। बाकी की किताब को उसमें इतना बढ़िया लिखा, उसने इतना दिल से लिखा है। सो दीज आर क्वालिटीज दैट उन्होंने अपने पिताजी से इनहेरिट की हैं। वो जुबान का बड़ा पक्का है। हमने कितनी फिल्में की इकट्ठे यार। एक फिल्म थी आई रिमेम्बर, देश प्रेमी। यस, 7 बजे का शिफ्ट होता था। सो उसमें सब महारथी थे। आई थिंक ही मस्ट हैव सजेस्टेड माय नेम। ही ऑलवेज टेल्स मी यार यू आर इन द बिग लीग, तो क्यों ऐसे होल्डिंग योर सेल्फ बैक। आई हैव नेवर कंसिडर्ड माई सेल्फ मच ऑफ एन एक्टर। तो मैं तो अपने आप को आई डोंट लाइक टू यू नो शो माई सेल्फ, आई कंसिडर दैट एज अ हॉबी। मेरा मेन काम इज राइटिंग, रीडिंग एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे हाँ, शम्मी जी वॉज प्लेइंग वन सरदार जी, उत्तम कुमार वॉज देयर, ही वॉज द किंग ऑफ बंगाल, प्रेमनाथ जी वॉज देयर एंड आई वॉज अ फोर्थ गाय, द जूनियर मोस्ट। मैंने तड़ी मार के स्कूल से 3 बार देखी थी देश प्रेमी। दे ऑल केम एट अबाउट 7 o'clock शिफ्ट, दे ऑल केम एट 9 o'clock, 9:30। आई टू कम एट अबाउट 8 o'clock। कोई ऐसा टाइम नहीं था जब वो सबसे पहले नहीं आया हो। ही वॉज सिटिंग देयर एट 7 o'clock शार्प विद मेकअप, रीडिंग अ स्टैक ऑफ बुक्स। 7 के बदले 6:30 बजे पहुँच जाता था यार। एंड बिफोर दैट ही डिड सम डबिंग। सो ये चीज़ें विरासत में मिलती हैं।
आज भी जिस तरह का उनका रूटीन है वो बड़ा मुश्किल है। अमेजिंग यार, मैं आई रीड हिज ब्लॉग रेगुलरली, यू मस्ट रीड हिज ब्लॉग। वो रात को 1 बजे 1:30 बजे सब काम खत्म करके ही राइट्स हिज ब्लॉग। इट्स लिटरेचर आई टेल यू। और 4,000-5,000 हो चुके हैं डेली एज अ रूल ही राइट्स इट। यस एंड इट्स ब्यूटिफुल। तो ये चीज़ें विरासत में मिलती हैं। मैं अब एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल वही था कि कई बार मुझे एक्ट बात करते करते या कई बार कुछ रिएक्ट करते हुए मुझे लगता है अरे यार ये तो बाबा किया करते थे ऐसा, मेरे फादर। पर एज एन एक्टर आपको कभी लगता है कि कुछ करते करते यार ये तो बलराज साहब का नहीं, मैंने एक बार पहले शुरू में फ्रेंकली आई सेड मेरे को तो एक्टिंग आती नहीं डैड, सो आई वाज कॉपिंग हिम। सो हमने एक फिल्म की जिसका नाम था हिंदुस्तान की कसम। सो इन वन सीन ही फाउंड दैट आई वाज, ही मस्ट हैव फाउंड दैट आई वाज ट्राइंग टू कॉपी हिम, ऑल्दो ही इज द वन गाय हु कुड नोबडी कुड कॉपी। दिलीप साहब के तो 4-5 हैं। ही केम अप टू मी, he said Parikshit, don't be a C grade Balraj Sahni, be a first rate Parikshit Sahni. Wow. Be yourself. Tab se leke aaj tak I've done things my own way, and nobody can say that I'm copying him or something, because unka style alag tha, unki delivery alag thi. But after that I said yeah, that's a fantastic thing you've said. He said yes, be a फर्स्ट रेट परीक्षित, डोंट बी अ थर्ड रेट बलराज। क्या बात, ये कितने इसे 3-4 गाइज वो कॉपिंग दिलीप साहब, साफ नजर आता है कि दिलीप साहब को कॉपी कर रहे हैं। व्हाई डू डू दैट, यू गॉट अ पर्सनैलिटी, बी योरसेल्फ। सो दैट वे ही वाज एन अमेजिंग गाय। सर चलते चलते अपने चाहने वालों को किताब के बारे में कब रिलीज कर रहे हैं, किस पब्लिकेशन से रिलीज हो रही है? हुजूर ये 1.5 साल की मेरी परिश्रम का नतीजा है ये किताब। उसका नाम है द नॉन कन्फॉर्मिस्ट, जो कि शख्स किसी चीज़ के साथ लोगों से हटके ही रहता है बिल्कुल। इन द फिल्म लाइक एज अ मैन ही वॉज अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट। तो वो उसको मुझे 1.5 साल लगा लिखते हुए, और मैंने लिखना भी नहीं था कभी। एक पहले सबसे पहले तो किसी पब्लिशर ने कहा कि तुम लिखो, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं लिखा गया। उसके बाद ये अली पीटर जॉन ने मुझे बड़ी ज़ोर से 2-4 बार कहा, अली पीट मेरा दोस्त है, यार प्लीज़ तू लिख 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 लिख। भीष्म जी ने कहा मुझे तुम लिखते क्यों नहीं। फिर वो एक्ट्रेस थी दीना पाठक जी, वो एयरपोर्ट पे मिली कि यार तू बड़ा बकवास आदमी है, व्हाट इज़ दिस ब्लडी नॉनसेंस, यू शुड राइट, यू राइट वेरी वेल। मैंने आर्टिकल लिखता रहता था, आई यूज़ टू राइट, बट आई डिडंट वांट दैट टू बी पब्लिश्ड। ये सब ने कहा तो मैंने एक फिर ठानी ली, मैंने कहा भाई बोला है तो चलो शुरू कर दो। बस वो बोलता ही गया मुझे लिखो लिखो लिखो। मगर उसने एक बात कही मुझे, देखा पहले अपनी खोपड़ी में पकाओ तू इन चीज़ों को, बैठ मत लिखने के लिए। आई सैट एंड मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा इसके बारे में, और फिर ऐसा एक मतलब एक फ्लड सा आ गया। देर वॉज सच अ मतलब अंदर से भर गया दिमाग यादों के साथ, कि फिर वो एक बार कंप्यूटर खोला तो वो चलता ही रहा फिर हाथ, आई डेंट स्टॉप टिल द एंड। फिर उसको एडिटिंग की लोगों ने, मेरी एक और बड़ी अच्छी फ्रेंड है, उसका भाई मेरा बड़ा दोस्त है, इज डॉक्टर इन लॉस एंजलिस, सो दिस हिज सिस्टर इज ऑल्सो अ ग्रेट राइटर, उसने 3-4 किताबें लिखी हैं, उनकी बड़ी उनका बड़ा योगदान था। शी बहुत बहुत मदद की उसने मुझे, शी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, डैडी की किताबें सब पढ़ी उसने। फिर उसने मुझे गाइड भी किया कि चैप्टर ये लिखो, ये तो लिखा ही नहीं तुमने। राइट अबाउट हिम एज अ फ्रेंड, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, हिज रिलेशनशिप्स, ये वो, तो शी गाइडेड मी। आई मस्ट से उनको फुल क्रेडिट देना चाहिए इसके, अदरवाइज मेरे लिए विदाउट दिस पीपल, एक तरफ अली था, एक तरफ हर्षी सयाल थी, एक तरफ उसका भाई था परवीन सयाल, ये 3 जन। फिर ऊपर से मिली मिल गई मुझे, ऐश्वर्या मिली,
शी इज द एडिटर ऑफ पेंगुइन इन इंडिया. उसने दो तीन चैप्टर पढ़े, उसने कहा हमें दे दो. फिर उसकी बड़ी इनपुट थी कि भाई ये ऐसे लिख ऐसे लिख. सो इसका पूरी तरह से 100% क्रेडिट लेना ये गलत बात होगी. इट वॉज लेबर ऑफ, मगर ऑफकोर्स ऑल दीज थिंग्स मैं इनको भूल जाता, कभी ना लिखता अगर इन्होंने मुझे तोका ना होता, पीछे से पिन नहीं मारे होते हमेशा, लिखो इसके बारे में लिखो इसके बारे में. सोचा अरे हाँ यार ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, लिख लो. सो आई डोंट नो कैसे लोगों को लगेगी किताब, मगर पेंगुइन से किताब आने वाली है बलराज सहनी साहब के ऊपर, उनके दोस्त, उनके बेटे, उनके नज़रिए से बलराज सहनी कैसे रहे, उस पर बहुत खूबसूरत बोलेंगे. और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे अपने बलराज सहनी जो थे उनके बारे में कुछ और जानकारी आपने हमको दी. नहीं, उसमें काफ़ी उनके ऐसे पहलू दिखाई देंगे जो जिससे आप वाकिफ नहीं हैं, विच यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट. और पढ़ के लोगों को दे विल गेट अ कंप्लीट पिक्चर अबाउट हिम एज अ मैन. आई थिंक दैट इज द, वो ये मेरी तरफ से तो एक काइंड ऑफ अ कैथासिस, एक रिडेम्पशन है, एक श्रद्धांजलि है कि मेरी भी उम्र बहुत हो गई अब. सो जाते जाते उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं, और अपने बच्चों को उनके बारे में बता रहा हूँ जो उनसे कभी मिले ही नहीं. ही डाइड वेरी यंग, माई चिल्ड्रन वर बॉर्न आफ्टर ही डाइड, तो उनको भी पता चलेगा कि उनके ग्रैंडफादर कैसे थे. तो मतलब एक्टिंग का ये परंपरा जारी है? नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटियाँ दे आर सेटल्ड इन सिंगापुर, शादीशुदा हैं, दे आर वेरी हैप्पी देयर. एंड माय सन इज़ इन जयपुर एंड ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही डज दिस एनिमेशन वगैरह, ही पेंट्स, ही फोटोग्राफ्स एंड ही इज़ एन एनिमेटर. So he's also gone. He's the only one who's closed. कला की धारा जारी. कला की धारा जारी. चलिए थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ कि ये किताब जैसे बलराज साहब हमारे दिलों में जिंदा है, किताब भी हमेशा देखें, देखा जाए. मोस्ट वेलकम, सबको बहुत बहुत नमस्कार.